फुल कर दे यार भैया, वो सेटअप यार लगा नहीं यार भाई। तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई आ गया ए पेट्रोल डालने। तो पहले माइलेज चेक करने के लिए इसको पैक करेंगे फुल, फिर से आकर यहाँ पे दो ढाई घंटा जितना में 100-150-200 किलोमीटर चला पाएंगे, तो यहाँ पे फिर फिलअप करेंगे। ये देखिए कितना चला है, देख लीजिएगा ठीक ठाक, बाद में नहीं कहना ज़्यादा है कम है। तो मेरा टीममेट भी आने वाला है, ये आ गया, और भी एक बंदा के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहा था, वो जब आएगा तो वीडियो चालू करेंगे। तो बाइक चलाएंगे पहाड़ों पे, उतराई चढ़ाई दोनों ही, अप डाउन दोनों ही करेंगे। उस पर मार्केट का अंदर वो भी करेंगे, भीड़ भट्टा में जैम में वो भी, और ये नहीं है जो आराम आराम से भगाएंगे इसको, जितना हो सके 80-90-60-65-70, मतलब हर एक क्वालिटी में इसको चेक करेंगे, माइलेज कितना दे रहा है, ज़्यादा कम कुछ भी दे आज तो पता चल ही जाएगा। तो देख लीजिए आप लोगों राइडिंग कैसे। तो पहले हम लोग इधर शर्मा जी का ढाबा है हिमाचल में, तो 30-35 किलोमीटर आ गए। ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, अभी ना इसीलिए 40-50 में चलाते हैं हम लोग। ज़्यादा लेट नहीं है तो भाजी, कैमरा ऑन तो करो, बंद क्यों है? बंद है, बंद हो गई। तो इनसे मिलके फिर दाना पानी ऐसे कुछ खा के चाय नाश्ता करके ब्रेड पकौड़ा जो कुछ भी है मिला, फिर हम लोग चलेंगे इधर से करीब करीब 40-45 किलोमीटर दूर। टोटल जितना है तो देख लीजिए, और थोड़ा बहुत कमेंट्री भी हो जाए भाई, क्योंकि ये बंदा इन लोगों पास जो बाइक है आप लोगों को पता है सुपर बाइक की तरह भागता है, ए डोमिनोर 400। और ये देखिए शू ही करके भाई भाग गया, लेकिन ऐसे लगता है भाई जब आपको आपको हाँ कभी भी भाई लैट्रिन बाथरूम जो बहुत ज़ोर से मिल गया आपको, बहुत ज़ोर से बाथरूम आया, लेकिन अपने ज़ोर से जाके मोड़ पे जाके देखा जो वहाँ पे बाथरूम का अंदर कोई बंदा बैठा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ए पी भाई सेम की तरह ड्राइव है, सीधे रास्ता तो बस छूँ करके भगाया के मोड़ पे जाके 30-35 में, ये देखो बंदा बस 50 में भगा रहा है, मोड़ कटिंग कर रहा है, ए निंजा वाला देखो, और देखो कितना में 51, बस ऐसे ही चल रहे हैं भाई, फिर आगे जाके रुक जाएगा। भाई क्या मतलब है, मैंने को पता नहीं भाई, माइलेज चेक करना है, भगाना है तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को साथ मैंने भगा नहीं सकता भाई, इन लोगों को सुपर बाइक निंजा में तो पंखा लगा हुआ है भाई, ये तो 200-220 में भगाता है, तो बहुत तेज़ भगाते हैं भाई, कौन सा मेरे पास 0x 200 ये भाग पाएगा, लेकिन पीछे पीछे रहो कोई चक्कर नहीं है। मैंने जो बात बताया आप लोग समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जब कभी लैट्रिन बाथरूम पाया तो भाई आपने जाके देखा अंदर कोई एंगेज होकर बैठा हुआ है, ये देखिए भाई कितने में भैया 57, क्या मतलब है, कैसे ड्राइविंग भाई, इधर कभी इधर कभी उधर, कोई नहीं भाई चलो जैसा माइलेज है निकलना ही माइलेज, तो इधर देख लीजिए आगे जाके भी वही सुन करके भाग रहा है भाई, कोई नहीं भागने तो उन लोगों के पास लंबी चौड़ी बाइक है, मेरा पास 200 cc, तो मैंने जितना हो सके भाई भगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो भाई जैसे लगे आप लोगों को ये पहाड़ पे चढ़ाई के टाइम है, आप पहाड़े डाउन में भी थोड़ा बहुत भगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को उसके बाद मार्केट में जाके फिर वहाँ पर भीड़ भाट्टा ज़्यादा होगा, वहाँ पर जाके भी देखेंगे। तो बाइक कैसे भाग रहा है भाई, थोड़ा मैंने फास्ट काट दिया इसको क्योंकि नहीं तो लंबी चौड़ी वीडियो हो बन रहा था, और इसको जब तक भगाएंगे नहीं तब तक इसको माइलेज में पता नहीं चलेगा। मैंने देखिए बाइक कोई बंदा लेते हैं ना, वो ये सोच के लेते हैं जब बाइक में माइलेज ठीक है तो लेके फ़ायदा है, क्योंकि भाई ये शो अप तो नहीं करना है, जब बढ़िया बाइक लिया अब लेके बस 30-40 में कॉर्नरिंग करेंगे, बस निंजा 300 वगैरह वगैरह आगेरा वगैरह जो कुछ भी है भाई, बढ़िया बाइक लेगा तो लेके भाई वही 200 के साथ ही चलना है, तो भाई क्या लेके फ़ायदा है, इससे वाला स्प्लेंडर लो। ये देखो एक बंदा कैसे बनेगा पूरा, ये ड्राइविंग का डी नहीं आता इसको, पता नहीं कभी सीधे कभी डाई कभी बाई, बस हाथ में एक पावरफुल इंजन है उसको ही भगाना है, ये देखो बस नाटक कर रहा है रोड पे आके दोनों, कोई चक्कर नहीं भाई करने दो इन लोगों को, इन लोगों को मर्जी है, इन लोगों को दादा पर दादा का रोड है उस भी करे कोई चक्कर नहीं है। तो भाई मेरे को माइलेज चेक करना है, जो बात जो हम लोग जो बाइक लेते हैं भाई मिडिल क्लास फैमिली है और मिडिल क्लास का पैसा भी पड़ी है जेब में, तो बाइक से सबसे पहले हम लोग माइलेज देखते हैं, माइलेज ठीक ठाक है तो भाई बाइक लेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। और बाइक भी ऐसे भी लो भाई, मज़ा भी आए, जैसे एक्सपल्स दो इसको सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी कम है भाई, और मैंने करीब करीब 550 में इसको ये फास्ट सर्विसिंग किया था, तो और माइलेज भी बढ़िया दे तो मज़ा आ जाएगा।
और ये देखो बंदा कॉर्नर पे जाके हग रहा है, बस इतना ही इसका दम है। दो घंटा बाद जाएगा सैकेत, उसको बाद फिर बताएंगे प्रॉब्लम है फला ना है। तो कोई भी प्रॉब्लम है भाई, एक बार बात आपको बताना है, वो जो बाइक जा कार जा रहे है, कार काफ़ी देर से ये जो आगे वाला ट्रम्प सर मनोज सर के पीछे पीछे पड़ा था, इसीलिए अब पीछे ही पड़ा था उस, मैंने वो माइंड में उसके साथ सैर के साथ रेस लगा रहा था, लेकिन सैर भी इधर थोड़ा रास्ता ख़राब है, पीछे आ गया, कोई चक्कर नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं है, बस आ ही गया। तो और जो बंदा लोग है जिसको पास लंबी चोरी बाइक के पंखा लगा के आ रहा था, निंजा एक और एक हिमालयन और एक कोई नहीं जो है तो है, आने दो बंदा को, और शिमरा ना रहा है शायद पीछे, ओ आ गए बंदा दो घंटा बाद, भाई आ जाओ क्या हाल चाल है पूछ लेते हैं। चलो भाई चलो, कोई नहीं, अभी खाना पीना इधर से खा के सेकेंड से हम लोग निकलने वाला हूँ। ये था आप इस बार करेंगे डाउन, डाउन में भी आप लोग देख लीजिएगा ऐसे ही भगाएंगे, भगा के पूरा आप लोगों को शायद मैंने कितना मिला उधर कितना किलोमीटर थे, और इधर जाके फिर मैंने इसको पेट्रोल डलाएंगे फुल फिल अप करेंगे, उसको बाद जो पहले था 1492 किलोमीटर, और अभी जाके देखेंगे कितना किलोमीटर है, उधर से माइनस करके जितना किलोमीटर और जितने रुपए का तेल जितना पेट्रोल डाले डिवाइडेड करने के बाद भाई आ जाएगा लीटर माइलेज किलोमीटर पर माइलेज पूरा पूरी। ये मेरा भाई जा रहा है भाई हिमालयन लेके, तो डबलिंग कर रहा है इसीलिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम है भाई। इधर थोड़ा मैंने जल्दी किया क्योंकि मैंने इधर 190 भगा रहा था, नहीं तो आप लोग बताएंगे भाई 70-80 भगा के माइलेज बढ़िया निकल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा भगा के दिखाऊँ, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा भी भगा के दिखाएंगे आप लोगों को साथ। उसके बाद आगे जाके सिटी में जैम रहेगा भाई, जैम में भी भगाएंगे उतना ही भगाएंगे, भगा के पूरा जैम में भी रुक के जाएंगे जितना है, कभी क्लास कभी ब्रेक मारना ही पड़ेगा भाई, देख लीजिए कितना जैम है। आगे जाके और भी जैम भाई बढ़ेगा क्योंकि आगे लाइट माइट पड़ी है और वो आगे भीड़ भट्टा ज़्यादा होता है। हम लोग ये रास्ता से काफ़ी बार गया, ये जीरकपुर वाला रास्ता है, देख लीजिए कितना जैम है भाई, तो ये जैम से भी बढ़िया माइलेज निकल गया ना, तो भाई गजब ही गजब है, क्योंकि बाइक लेना है भाई माइलेज 20-22 दे फिर भी 15-20 दो दे फिर भी एक्सपल्स का छाते रहे, तो वो बाइक लेके तो फ़ायदा नहीं है भाई। ओ मैंने निंजा का बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में नहीं बताएंगे जब अपने निंजा के साथ इसको का कंपेयर, अबे कंपेयर तो होता ही नहीं है भाई, एक ऑफ रोडिंग बाइक है और वो तो सुपर फास्ट पंखा लगाना वाला बाइक है भाई, उसके साथ किसको कोई वो कंपेयर नहीं हो सके, तो आप लोग देख लीजिए और थोड़ा संभाल के भगाइएगा जो बंदा राइडिंग पे जा रहा है भाई आराम से। ये देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पे जल्दीबाजी किया, फिर इधर से आ गए पेट्रोल पंप, इधर से करेंगे फिलअप, उसके बाद आप लोगों को शायद शेयर करेंगे पूरा वीडियो। बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बोला क्या हुआ? पता नहीं भाई इनको क्या प्रॉब्लम थे, बता रहे कैमरा बंद कर दो, पता नहीं इसको शर्म आ रहा था शायद। अच्छा बंद है, नहीं तो वो मैंने यूट्यूब में देखा था, खुल गया था ना पेट्रोल वाला सिस्टम से, वही प्रॉब्लम हो रहा है शायद इनको, कोई चक्कर नहीं भाई मेरे को तो फिर फुल करना है। फुल करना है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। और कितना हुआ? ऊपर चला है, ऊपर चला है भाई, क्या कर रहे यार? तीन सौ बीस ना, हाँ 3 लीटर भाई, एले एले 20 भाई, हाँ ठीक है। तो भाई मेरे का तो 124 किलोमीटर और 320 रुपया का पेट्रोल डलाया, तो टोटल आपको माइलेज मिला 38.15 किलोमीटर पर लीटर। तो कैसे लगा वीडियो, बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और कोई क्वेश्चन है तो मेरे को करिएगा, मैंने आंसर देने के लिए बैठे। ओके भाई, मिलते अगले वीडियो पे, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन लेटर।